जिला बिलासपुर में दुराचार की शिकार हुई एक नाबालिका से पुलिस कर्मियों द्वारा की गई कथित मारपीट को लेकर गुरु रविदास दबा व अन्य सहयोगी सवाएं उग्र हो गई हैं। नाबालिग के साथ हुई मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर गुरु रविदास दबा के बैनर तले अन्य सभाओं ने चंपा पार्क बिलासपुर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन पर अपने कर्मियों को बचाने के आरोप लगाए। गुरु रविदास सभा बैरी रजादिया के प्रधान तुलसी दास मंसल ने कहा कि इस मामले को सभा द्वारा उठाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन ने हरकत में आकर दुराचार करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर दिया था, लेकिन इस मामले में पीड़िता के साथ मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो सभा दलित समाज के साथ मिलकर प्रदेश सरकार के विरुद्ध उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होगी। के बाद सभा के बैनर तले विभिन्न दलित संगठनों ने चंपा पार्क से लेकर डीसी कार्यालय तक रोष रैली निकाली और उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री राज्यपाल व डीजीपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि करीब 2 महीना 10 दिन पहले दलित समाज से संबंधित एक नाबालिका के साथ सामूहिक दुराचार हुआ था। इस मामले में जांच अधिकारी द्वारा पीड़िता को 3 दिन तक देर रात 2:30 से 3 बजे तक कार्रवाई के नाम पर कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया और पुलिस कर्मियों द्वारा पीड़िता के साथ कथित तौर पर मारपीट भी की गई। वहीं इससे पहले थाना स्वारघाट में भी पीड़िता के साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत पीड़िता की माता द्वारा 6 अक्टूबर 2020 को एसपी बिलासपुर को की जा चुकी है, लेकिन आज दिन तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा ना तो जांच अधिकारी को बदला गया, ना ही मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई की गई, जिसको लेकर वे मांग करते हैं कि पीड़िता के साथ कथित तौर पर मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों को तुरंत निलंबित किया जाए और उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए। मेरा नाम तुलसीदास बंसल, प्रधान गुरुवरदास सभा बैरीबद्ध। प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी कि कोठीपुरा के पास एक दलित और नाबालिग बची फुसला के उसी के गांव का एक आदमी की 17 सितंबर को वहां से लेके गया तो 9-10 बजे और रात में उसने उसके साथ गैंगरेप किया और उसके बाद कोठीपुरा में रथ के हवाले कर दिया। रथ वाले ने भी गैंगरेप किया और उसने उसकी आउट के हवाले कर दिया और स्वारघाट के निजी डब्बों सुबह पहुंचे तो वहां उसने बच्ची को उतार दिया। पुलिस कर्मियों ने उसे वहां थाना ले गए और थाने में मिला पुलिस ने उसके साथ मारपीट की गई, लेकिन साथ उसके बगल के ऊपर दबाव बनाया गया गांव के कुछ लोगों पर। तब गुरुसभा के संज्ञान में हमने एसपी साहब को बताई और एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद एसपी और एडिशनल एसपी ने कार्रवाई करते हुए लोगों को पुलिस की गिरफ्त में लिया, जिस सड़कों के पीछे किसी पुलिस कार्य प्रणाली के लिए सभी करते हैं। लेकिन साथियों उस बावजूद मुक्ति पीछे थाना में जिन पुलिस कर्मचारियों ने बेटी को नाबालिग बेटी को बेटी को गैंग पीड़िता को मारा है और स्वागत मारा है और जगह 3:30 बजे तक कंटिन्यू प्रताड़ित किया है, उन पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड नहीं करेंगे। तब तक हम धरने पर जारी रखेंगे, स्टेट लेवल का धरना है और इसके बाद जो हम सेलिब्रेशन शुरू करेंगे। हम इसलिए COVID-19 को मद्देनजर रखते हुए हम देश की जनता को प्रदेश की जनता को नहीं पदाधिकारी जो संगठन से जुड़े लोग हैं, रोजगार सभाओं से जुड़े लोग हैं, कबीर सभाओं से जुड़े लोग हैं, उन लोगों को हम लाए और समितियों से जुड़े लोग हैं, दूसरे साथी सड़क से जुड़े लोग हैं, उनके जिम्मेवारी को हमने आज यहाँ लाया है कि आप लोग देखें हमारे दस में पुलिस प्रशासन का हाल और बीच का प्रदेश सरकार का हाल है, जुर्मजाती हो रही है उसको दुरुपयोग प्रयास किया जाए और पुलिस किसको छोड़ गया जो पुलिस की गुंडागर्दी है, हम इसकी निंदा करें, हम इसके खिलाफ में आज यहाँ हम एकत्र हुए हैं।